बड़े सिटीज में तो डोमिनोज अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे सिटीज होते हैं वहाँ पे लाइक क्लीनिंग का ये सब चीज़ें बहुत रेगुलर टाइम पर नहीं होती है। उसका ये है कचरा बहुत ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ पे टेबल नहीं है, हर टेबल पे आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से पड़ा हुआ है, बोल के आए हैं उनको। ओके, तो फिर हम लोग चल चुके हैं, चले। इट्स लाइक अ क्रेन। जाओ यार, ये मैं रोज भूल जाती हूँ। इधर एंड ये हम लोग चल चुके हैं एज यूजुअल सुबह का रूटीन। आजकल मैं फर्स्ट हाफ मोनू के साथ जाती हूँ और इसको ले जाने का मकसद भी है। फर्स्ट हाफ में मैं अपना मोनू का काम करती हूँ, सेकेंड हाफ में मैं अपना काम करती हूँ। जा रहे हैं, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो ठंडा हो रहा है अभी और मज़ा आ रहा है इस पिक के साथ वीडियो बनाते हुए। बता देती हूँ कि हम लोग को हाईवे पे जाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता घूमने के लिए। एज आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा हाईवे है। यहाँ पे थोड़ी सी हालत इसकी बारिश में त्राही त्राही हो रखी है, लेकिन ये हाईवे है। आप उस ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप उस तरफ भी देख सकते हैं और इस तरफ, दोनों तरफ मेरे पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं और हमारे घर से जो हाईवे है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप देख सकते हैं हम किसी भी समय हाईवे पे आ सकते हैं और आते हैं जब हमें घूमना पड़ता है। अभी तो ये हमारा डेली रूटीन है, जब भी हम यहाँ से जाते हैं तो इसी हाईवे से जाते हैं प्रेफर करके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं होता एंड बहुत ही मज़े आते हैं। सुबह ये गाय इतने मज़े से यहाँ पे पत्ते खा रही थी, बट उसको मज़ा नहीं आया, वहाँ जाके एक आदमी का आम भी खा लिया उसने। तो सुबह तो ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह सुबह हम उठते हैं, थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं, तब तक मैं दाल या फिर राजमा उबलने रख देती हूँ, फिर उसके बाद मोनू तब तक चावल भी होके रख देता है पानी में, जो कि हम अभी दोपहर में जाके उबालेंगे। ना मैं रोटी बना देती हूँ सुबह की और फिर सब्जी बनाते हैं, मोनू कॉफी बनाते हैं, दोनों हम इतने बिजी रहते हैं किसी को भी सुबह सुबह तो ब्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। जो थोड़ी सी सांस आती है फिर फटाफट नहाते हैं, यहाँ की सांस आती है फाइनली और अभी यहाँ आके बैठे हैं, तब जाके ब्लॉगिंग शुरू होती है। इसका बहुत लेट हो गया था एंड मतलब खाना बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। खाना मैंने ऑर्डर किया, 9 बज रहे हैं अभी रात के और भैया आने वाले हैं, देखो कब आते हैं। मैं तो पैसे वैसे लेके भी खड़ी हो गई हूँ, सब आएंगे। आ गया, अंधेरे में कुछ भी विजिबल नहीं है। हमारी जगह पे कोई ना कोई अपनी बाइक खड़ी कर जाता है, हमने उसकी बाइक उठा के यहाँ से यहाँ रख दी और एयरबड में अपने साथ लेकर आई थी घर से। और सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए हैं, डालो भाई लगा दो गाड़ी। यहाँ पे खड़ी रहेगी तो सेफ खड़ी रहेगी, क्योंकि इससे नीचे पीछे खड़ी रहती है तो लोग निकलते हुए हाथ रगड़ते रहते हैं, कुछ रगड़ते रहते हैं और स्क्रैच। रोटी बना बना पाती हूँ, खा नहीं पाती, खाती मैं रोज यहीं पे आके हूँ, मेरा नाश्ता यहीं होता है, मोनू वहीं पे करते हैं, तब तक मैं नहाती हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, रास्ते में आते थे गाड़ी से आया तो भी पसीने इतने ज़्यादा आ चुके हैं। सो अभी मैं सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी पत्ता गोभी मटर आलू की सब्ज़ी एंड ये है रोटी। तो जज मत करना, मैं ऐसी ही रोटी बनाती हूँ जो लेकिन खाने लायक है, ठीक है। और अभी जल्दी से शुरू कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि लग रही है बहुत ही ज़्यादा भूख। बारिश आएगी जबरदस्त, आज का वेदर इतना भयानक है। हालांकि मेरा मूड नहीं था व्लॉगिंग करने का, क्योंकि मेरा मूड है थोड़ा सा ऑफ, लेकिन वेदर इतना सुंदर है ना, मतलब आपने भी देखा होगा कि बहुत डार्क ब्लैक क्लाउड्स आए हुए हैं, सो इसका मतलब कि जरूर एंड जरूर बारिश होगी। सबसे ज्यादा दिक्कत मोनू को क्या, मेरे भी सारे कपड़े खत्म भी हो गए घर हफ्ते पे। अभी हम लोग जा रहे हैं डोमिनोज, क्योंकि मोनू की इच्छा है पिज्जा खाने की। बड़े सिटीज में तो डोमिनोज अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे सिटीज होते हैं वहाँ पे लाइक क्लीनिंग का ये सब चीज़ें बहुत रेगुलर टाइम पर नहीं होती है। ये कचरा बहुत ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ पे टेबल नहीं है, हर टेबल पे आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से पड़ा हुआ है, बोल के आए हैं उनको। एवरीवन, तो मैं आपको रास्ते में बोलती हुई जा रही थी कि लाइक मुझे वीक के कपड़े धोने हैं, क्योंकि आज संडे है
तो मेरा मन नहीं कर रहा था, बट आपको पता है हम गए थे बाहर पिज्जा खाने, और नेल एक्सटेंशन का मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। लाइक मुझे पहले पता नहीं था, तो सिंपल जो नेल जेल लगता है जो कि बहुत शाइनी है, बहुत अच्छा दिखता है। लाइक पहले मैं सोच रही थी वो एक ऐसे ही होता होगा, बट आज मैं गई इससे तो बहुत बहुत ग्लॉसी दिखता है। लाइक जो वाली आंटी नहीं आई है, तो ये जो सुबह कॉफी पीती है इनको धोके दोबारा कॉफी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी मग्स नहीं है हमारे पास। इधर बनी हुई सब्जी सीधी निकल रही है। रोज मैं सुबह का सिनेरियो लाइक नहीं कर पाती रिकॉर्ड, बट आज सोचा करूँगी। ये कैंपर वहाँ पर लेके जाते हैं, सो इसको भरना पड़ता है क्योंकि अभी वहाँ पे पानी का कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, पीने के पानी का आरओ नहीं है, और ये बर्फ है ये टूट कर अभी इसमें रहेगी कि पानी पूरा दिन ठंडा रहे। कि मैं पूरी व्लॉगिंग करके देखूंगी दिन की, क्योंकि आज मैं मम्मी के साथ भी नहीं गई सुबह में, क्योंकि मेरा खुद का आज ऑफिस का काम 12 बजे से स्टार्ट है। तो उसके लिए मोनू ने और मैंने सुबह उठ के मिल के खाना बना लिया था। लाइक मैंने सब्जी बना दी थी, मोनू ने राइस रख दिए थे उबलने, फिर मैंने रोटी बना दी थी, एंड इस तरीके से हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं हम लोग। एंड आज मैं थोड़ी सी कमरे की सफाई कर रही हूँ, जिसमें मैंने पहले बेडशीट चेंज की है, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं लगता मुझे तो 12 बजे के बाद। एंड रात को भी ब्लॉगिंग हो नहीं पाती है काम की वजह से, सो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि ब्लॉगिंग जो है पूरी की पूरी मैं करूँ। तो अभी मैं बैठ के लास्ट यहाँ पे बचा हुआ सकते हैं, मुझे ना कमरे में कुछ हो ना हो बस ये रहता है कि बेडशीट जो है हमारी वो अच्छे से बिछी होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए। ये मेरा पार्सल बहुत दिनों से आया हुआ है, मैंने पहले बार्स ब्रांड से है, सो यस उस तरीके की कुछ मजबूत कुर्ती है। तो ये सिल्क की कुर्ती है, अगर आप मटेरियल पूछेंगे तो सिर्फ प्लाजो। लाइक मैंने शरारा भी मंगवाया था एक ब्लू कलर का, क्योंकि हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली कुछ ऐसे लहंगे होते हैं कि जिनका दुपट्टा हमारे पास रखा रहता है बहुत सुंदर। टेबल साफ कर लेती हूँ क्योंकि मेरे सारे दिन का काम जो होता है वो इसी के ऊपर होता है। I'm going to go to the hospital.